Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start for today. और चलें अच्छी बात है आपको टेस्ट जो है आसान लगा. That's a good news कि जी चलें कम से कम आपको चीजों की कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. अच्छा जी, हम देख रहे थे यूटिलिटी को कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, और बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरह से कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्स के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है. हमने लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी डीएमयू उसको देख लिया था, और उसकी अजम्पशंस और लिमिटेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं. उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेरा ख्याल है वो ही रहती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और फिर आगे उसको ठीक है. जी हमारा डीएमयू ग्राफिकली कैसे नजर आएगा उसके लिए कोई एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर हम कंज्यूमर रिक्रूटमेंट की बातें करना शुरू करेंगे. अगर हम जिस तरह से हमने बात की थी कि पानी का ग्लास या आइसक्रीम या जो भी हमारी एक कमोडिटी है जो हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, वो गुड्स के यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के यूनिट हमारे पास है हमारे पास टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. हमने इनकी बातें की थी. मार्जिनल वो था कि जो चेंज इन टोटल आती है विद एन एडिशनल यूनिट कंजम्पशन, और टोटल यूनिट हर जो यूनिट है उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है उसका सम हमारा टोटल यूनिट टोटल यूटिलिटी कहलाता है. इनिशियली स्टार्ट में जीरो अगर थी तो जीरो ही टोटल यूटिलिटी थी और जीरो ही मार्जिनल यूटिलिटी. फिर फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम फर्स्ट उससे अगर हमारी मार्जिन यूटिलिटी थी 80 तो टोटल यूटिलिटी बस 80. और सेकंड कप ऑफ आइसक्रीम उससे मार्जिन यूटिलिटी रिड्यूस हो गई टू 40 और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टू 120. थर्ड पे मार्जिन यूटिलिटी रिड्यूस टू 20 140. फोर्थ पे 10, 150, fifth पे 0, then remaining on 150, and then sixth consumption पे we want minus 5, for example, and that is 150. इस पॉइंट को we said कि this is point of saturation. सैचुरेशन या सैचुरेशन पॉइंट में उसके डिस्कस किया था जब आपकी टोटल यूटिलिटी एट इट्स पीक है. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अगर आप ग्राफ पे इसको प्लॉट करें तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ विल बी लाइक this side we have protein
on this side we have units. Consume the current, that is units, John consume current. Zero units pe, ab ye graph kaun present, jo jinon ne to maths padhi hui hai, stats padhi hui hai, unko graph presentation mein matlab aasani hogi, baaki sab ne bhi graph to bana dekhne aate hi hai sabko. Graph banate hi rahe hain hum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unit 1 पे हमारे पास का 80, for example, 80. Then we have 120. 120, then we have 140 and 150. 140, then we have 150, then we have 145. अगर हम इसको भी सिर्फ आज आपके लिए this is 80, this is 1. सेकंड पे हमारा 122 पहुंच गया था, थर्ड पे वी रीच टू 130, फोर्थ पे 150, फिफ्थ पे वी रिमेन ऑफ 150, एंड देन सिक्स्थ पे वी ड्रॉप टू 145. तकरीबन ये जो हमारा वो है एक दावे से हमने स्केल लिया हुआ जी के देश में पड़ा था अंदाजे से स्केल लिया के बाद हमारा ग्राफ विल बी लाइक दिस इंक्रीज कर रही है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती जा रही है और वन पॉइंट पे जाके डिक्रीज आती है और इसी के पैरेलल अगर हम मार्जिन स्टेट को ड्रा करें मार्जिन स्टेट इसी के पैरेलल ड्रा करें तो वी विल गेट ऑन दिस साइड वी हैव मार्जिन स्टेट ऑन दिस साइड वी हैव पहले पे मार्जिन स्टेट ये और मार्जिन डिग्री होगी 80, then 40, then 20, then 10, then 0, then minus 5. ये मार्जिन डिग्री इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से एक आपके लिए कर रहा हूँ. This is 1, this is 2, this is 4, this is 6. ये आपसे एग्जामिनर एग्जाम में कई दफा ये पूछ लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए. This is the margin. और ये देखिए जो हमने saturation point की बात की थी कि our total utility will be on top when we have our margin utility at zero.
पांचवें पॉइंट पे देखें, टोटल यूटिलिटी टॉप पे है, मैक्सिमम की यहां पे जीरो पे है. देयर वी हैव दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. क्लियर है? एग्जामिनेशन में काफी हवाई पूछा जा चुका है, इसलिए बाकी यहां पे कुछ हमारा टेक्नोलॉजी का इशू है, जो भी हम उतनी क्लैरिटी के साथ बिल्कुल स्केल सही नहीं आ रहे, लेकिन आप अगर अपना बनाएंगे तो आपके स्केल भी होना चाहिए. अच्छा जी, ये तो जनाब हमने देख लिया, सर आपने कहा बिल्कुल ठीक हो गया, हमें समझ आ गई कि ठीक है, ये तो आपने यूटिलिटी की बातें करनी, हमने मार्जिनल यूटिलिटी की बातें करनी है, टोटल यूटिलिटी की बातें करनी, लाभ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की बातें करनी. लेकिन सर इसमें ये चीज कैसे डिटरमिन करेंगे कि कोई शख्स अपनी इनकम को किस तरीके के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करें. ये तो हमने डिस्कस नहीं किया, ये तो अभी हमने एक ही प्रोडक्ट की बात की, आइसक्रीम की अगर बात की तो आइसक्रीम की ही बात की. हमने ये भी देखा कि जनाब उसके पास कुछ प्रोडक्ट पैसे हैं, वो उसे आइसक्रीम खाना चाहता है या उसे कोई किताब खरीदना चाहता है. हमारी तो बेसिक डिस्कशन तो ये थी ना कि जनाब हम यूटिलिटी के हवाले से समझे कि किसी शख्स के पास, इंडिविजुअल के पास, कंज्यूमर के पास थोड़े से पैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है. तो ये सर ये तो आपने एक प्रोडक्ट की बात की है, एक प्रोडक्ट से तो कोई समझ नहीं आएगी कि वो कंपैरिजन किससे करेगा. ये आइसक्रीम को आपने कंपेयर नहीं किया, यहां तक अभी तक आज तक हमने जो भी पढ़ा वो अभी एक प्रोडक्ट की बात की, टोटल यूटिलिटी मार्जिनलिटी, लेकिन एक्चुअल तो हमारी चॉइस की बात थी. जो इश्यू था वो तो चॉइस का इश्यू था, प्रायोरिटाइजेशन का इश्यू था, किस चीज को प्रायोरिटाइज करेगा, किसको किस चीज को नहीं प्रायोरिटाइज करेगा, उसका इश्यू था. तो उसको देखने के लिए इकोनॉमिस्ट भाई जन जो है ना वो हमें समझाते हैं कि ना इसको आप कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसकी स्टडी हमें करनी है. कि बाइनेंस कंज्यूमर की तो आपने हमें ये समझा दिया उसके बिहेवियर को किसी एक प्रोडक्ट के हवाले से कि लाभ डिमिनिशिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक हो गया. लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो क्या चीज होगी जहां पे वो समझेगा कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं उसको मैंने मैक्सिमम बेहतर अंदाज में यूटिलाइज किया. हाउ वी कैन डिटरमिन दैट, तो इसको समझने के लिए वो कहता है इकोनॉमिस्ट भाई हमें कहते हैं कि हमारे पास एक कानून है, कानून का नाम वो देते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. आपका कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपने लिमिटेड रिसोर्स से वहां पे हासिल कर सकता है जहां पे उसकी लास्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट कंज्यूम हैव इक्वल मार्जिनलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम बी. चॉइस के दरम्यान में जो चॉइस है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की जो चॉइस है उसमें आप कंपैरिजन करेंगे, और जो आपने लास्ट यूनिट कंज्यूम किया है प्रोडक्ट ए का उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट कंज्यूम ऑफ प्रोडक्ट बी. ये काम है उन्होंने कानून बताया कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटीज
आर इक्वल, वहां पे कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, उसको मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल होगी, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी विल बी गेन्ड। जी निशा जी बिल्कुल, डीएमयू की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस करनी है, हम देखेंगे भी जब हम किताब के ऊपर कंसोलिडेट करेंगे सारी चीजों को, हम साथ में उसको देखेंगे भी आपके। अच्छा जी लास्ट इनकी मार्केटी, अभी हम फोकस यहाँ पे रखें कि हमने ये देख लिया डीएमयू, हमने पढ़ लिया दिलशी मार्केटी, हमें समझ आ गई लास्ट इक्वी मार्केटी क्या है, वॉट इज लास्ट इक्वी मार्केटी। तो हमारे पास हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखने में फिर हमने कहा कि अगर तो हम सारी जो उसके पास ऑप्शन है कि एक लाख रुपए में वो पेट्रोल भी डलवान सकता है, तलीम पे खर्च कर सकता है, हॉस्पिटल पे कर सकता है, कोई खाने पे खर्च कर सकता है, कोई फिल्म देखने पे खर्च कर सकता है, कोई किताब के लिए खर्च कर सकता है, तो डिफरेंट ऑप्शन को अगर हम देखना शुरू करेंगे तो हमारे को डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम सादा कर लेते हैं, इकोनॉमिस्ट उस चीज को सादा कर लेता है, आसान चीज कर लेता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए, उसका बिहेवियर पता चल जाए कि दिस विल बी द बिहेवियर ऑफ चूजिंग बिटवीन टू डिफरेंट ऑप्शंस। कहते हैं जब आप ज्यादा प्रोडक्ट्स को ना लें, आप सिर्फ दो प्रोडक्ट्स लें, ओनली आसानी के लिए टू प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर आप अपनी इनकम को स्पेंड करना चाह रहे हैं, ओनली दो वो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड बी। आप एप्पल्स और ऑरेंजेस कह लें, जो भी कहना चाहें वो कह रहे हैं, उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन है कि आप लिमिटेड रिसोर्स को आपने खर्च करना, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अजम्पशन लीजिए। फिर सपोज यू हैव इनकम ऑफ रुपीज 5, सिर्फ 5 रुपए आपके पास इनकम है और 5 रुपए आपने प्रोडक्ट ए पे और प्रोडक्ट बी के ऊपर खर्च करना चाह रहे हैं, चूज करना चाह रहे हैं कि 5 रुपए खर्च करने, इसकी कोई हमारे सामने कोई एग्जाम्पल बन जाए, कोई हमारे सामने कोई तरीका बन जाए जिससे कि हमें पता चले कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर कहां पर मिलेगी और मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हमें कहां पर मिलेगी, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी देयर वेयर मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी इज अवेलेबल टू कंज्यूमर। क्लियर है? मैं आसान आराम साम से चल रहा, थोड़ा सा हम टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर ताकि हो रहे उसके लिए। यहां पे जो फोकस है इस चीज में, जो यहां पे हम पढ़ने लगे कि लाफ इनकी मार्जिनलिटी, मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल ओनली पॉसिबल व्हेन एमयू ऑफ डिफरेंट गुड्स कंज्यूम इज इक्वल। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर MU of different goods are equal। अच्छा अब यहां पे MU हम कौन सी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि यहां से क्लैरिटी हो जाए। यहां पे हमने जो मार्जिनलिटी की बात की थी, मार्जिनलिटी की बात की थी, ये यूनिट ऑफ आइसक्रीम की बात की थी, एक यूनिट आपने खाया उससे आपकी मार्जिनलिटी कितनी आई, दूसरे यूनिट से कितनी आई, तीसरे यूनिट से कितनी आई, हम यूनिट ऑफ आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। और जो जब हम यहां पे मार्जिनलिटी की बात कर रहे हैं, जो दिस मार्जिनलिटी इज मनी, पैसा, मनी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज एक रुपया आप प्रोडक्ट ए पे खर्च करते हैं तो उसकी आपके लिए क्या मार्जिनलिटी है, और वही एक रुपया अगर आप प्रोडक्ट बी पे खर्च करते हैं तो उसकी आपके लिए क्या मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे कंपैरिजन
मनी टर्म्स के अंदर हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट मनी टर्म्स के अंदर हो रहा है। क्यों मनी टर्म्स के अंदर हो रहा है? क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्स, मनी इज द लिमिटेड रिसोर्स। हम मनी को कंपेयर करना चाह रहे हैं, हमारे पास 5 रुपए हैं, उन 5 रुपए को मैं किस तरीके के साथ खर्च करूं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, 5 रुपए खर्च करने की ऑप्शन क्या क्या, 5 रुपए खर्च करने की ऑप्शन है आपके पास, जैसे आपके यूनिट, और यहां पे यूनिट हम मनी की बात कर रहे हैं, रुपीज की बात कर रहे हैं। 5 रुपए खर्च करने की आपके पास ऑप्शन है, इधर यू कैन स्पेंड ₹1 और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है, 5 रुपए आप खर्च करते हैं। अगर आप पहला रुपया मार्जिन ड्यूटी ऑफ एक्स, एक्स पे 1 रुपया खर्च करते हैं, पहला रुपया अगर आप एक्स पे खर्च करते हैं तो एक्स से यू अटेन 80 यूनिट ऑफ मार्जिन ड्यूटी। फिर सेकेंड रुपी अगर आप एक्स पे खर्च करते हैं, अब लाभ डिमिनिशिंग मार्जिन ड्यूटी हमें पता है, डीएमयू का हमें आइडिया है, तो डेफिनेटली जब हम सेकेंड रुपी एक्स पे प्रोडक्ट एक्स पे खर्च करेंगे तो हमारा यह प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारी मार्जिन ड्यूटी शुड रिड्यूस, डिक्रीज करेंगे, ऐसा ही है डीएमयू का। माइक टेस्टिंग 1, 2, 3 माइक टेस्टिंग, और तीसरा रुपया अगर हम तीसरा रुपया भी प्रोडक्ट ए के ऊपर खर्च करें, आप पहले हमने 2 रुपए प्रोडक्ट ए के ऊपर खर्च किए तो दैट मीन्स हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ए आ चुकी हुई है, अब तीसरा रुपया भी अगर हम प्रोडक्ट ए के ऊपर खर्च करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की मार्जिनिटी फिर रिड्यूस होगी, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, हम मार्जिनिटी रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे जैसे हम रुपए खर्च करते जा रहे हैं प्रोडक्ट ए के ऊपर, प्रोडक्ट ए को हम अटेन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर नेक्स्ट रुपया जो हम प्रोडक्ट ए के ऊपर खर्च कर रहे हैं उससे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है ड्यू टू डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिन ड्यूटी की वजह से। क्लियर है? ये तो हमारा जो पहले तक का कॉन्सेप्ट था उसी बेस के ऊपर हमारा मार्जिन ड्यूटी of B की मार्जिन ड्यूटी उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही क्रिएट कर रहे हैं, नथिंग एल्स, एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। एक हमने नंबर कहा दिस इज 70, पहला रुपया इफ वी स्पेंड फर्स्ट यूनिट ऑफ मनी ऑन प्रोडक्ट बी वी विल गेट सेटिस्फेक्शन लेवल और यूटिलिटी लेवल ऑफ 70, देन so on so forth, reduce होती जाएगी, reduce, हर additional रुपए जो हम spend कर रहे हैं उससे हमारी मार्जिन ड्यूटी reduce होती जा रही है। अब कोई सी एक consumer का ये हमारे सामने मार्जिन ड्यूटी टेबल फॉर टू डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर ₹5 दैट इज हिज इनकम वो अवेलेबल है, हमसे कहा गया कि जनाब अब आप बताइए कहां पे उसका मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी होगी और कहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, हमसे ये कहा गया। उसके लिए हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कि जनाब वेयर एम यू ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इक्वल, वेयर एम यू ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इक्वल वहां पे वो शख्स मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हासिल कर रहा होगा। अब एमयू टोटल यूनिट्स, एमयू कहां का इक्वल है, एमयू यहां पे भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ऐसे ही है मार्जिन ड्यूटी, ये तो सर आपने जो कहा था एमयू, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या आया ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
60 एंड 60 क्यों? दिशा में फिजा कह रहे हैं 60-60 क्यों कह रहे हैं? मनी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। जो कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? वो ₹5 जो उसके पास अवेलेबल है, ₹5 टोटल इनकम ₹5 है, वो प्रोडक्ट ए के ऊपर भी स्पेंड कर सकते हैं, बी के ऊपर भी स्पेंड कर सकते, टोटल ₹5 है, वो सारे के सारे ए पर स्पेंड कर दे, जीरो बी पर स्पेंड कर दे, या ₹5 में से ₹4 ए पर, ₹1 बी पर, पांच में से ₹3 ए पर, ₹2 बी पर, पांच में से ₹2 ₹3, पांच में से ₹1 ₹4, पांच में से जीरो एंड फाइव। These are different combinations जो फुल नंबर के अंदर अवेलेबल है उसको वो स्पेंड कर सकता है। ₹5 अगर सारे के सारे वो प्रोडक्ट ए पर खर्च कर दे, ₹5 सारे के सारे प्रोडक्ट ए पर खर्च कर दे, तो उसको ये टोटल सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। प्रोडक्ट ए पर ₹5 खर्च करने का मतलब ये है कि पहला रुपया खर्च किया उसको 80 की सेटिस्फेक्शन, दूसरा रुपया खर्च किया 70 की, और इस तरह से उसको सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल होता जाएगा। क्लियर है? और फिर अगर वो ₹5 करेगा, पांच के बजाय ₹4 वो प्रोडक्ट ए पर खर्च कर दे, ₹4 वो प्रोडक्ट ए पर खर्च कर दे, और ₹1 ₹4 प्रोडक्ट ए पर खर्च कर दे, या फिर ₹4 वो प्रोडक्ट ए पर खर्च कर दे और ₹1 वो प्रोडक्ट बी पर खर्च करे। डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन के अंदर वो स्पेंड कर सकता है, और इन कॉम्बिनेशन में सिर्फ जो पहले बात कही इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, जहां पे वो दो तीन यूनिट्स ऑफ ए, 3A एंड 2B लेगा, वहां पे उसकी लास्ट यूनिट, लास्ट रूपी स्पेंड ऑन प्रोडक्ट ए विल हैव द सेम यूटिलिटी ऑन for the last rupee spent on the product B. जब तक उसकी utility में difference है, he will keep on spending. अगर जिस utility, जिसकी utility ज्यादा है वहां पर वो spend करेगा ताकि वो product ले ले और उसको अपनी equal proper करेगा। जब उसकी utility equal होगी वहां पर he will have maximum product. इसको यू कैन चेक बाय योरसेल्फ आल्सो, आप इसको इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर आप उनकी टोटल यूटिलिटीज चेक करेंगे तो यू विल फाइंड के हियर दे विल हैव मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 3 यूनिट्स ऑफ एफ ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई, दैट इज टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी दोनों से यहाँ पे वो 370 की टोटल यूटिलिटी हासिल करे 340 की। ₹340 की टोटल यूटिलिटी हासिल करे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। Let's move to the book. Book to break in. आज के दिन तो एक इंपॉर्टेंट बुक होंगे।
जिस चैप्टर फोर में हम पढ़े हैं, चैप्टर फोर के हमने ये चीजें देख चुके हुए हैं, यूटिलिटी मेजर ऑफ हैप्पीनेस आर सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम एन गुड पर्सन और टोटल यूटिलिटी टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट दैट एन इंडिविजुअल रिसीव बाय वे ऑफ एंजॉयमेंट अ स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज टर्मिनल एज टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी is defined as the additional amount of satisfaction and fulfillment that is required when declaring one additional unit of commodity. Utility or rationality, हम ये भी बात है कि सब कुछ वही चीजें हैं जो डिस्कस कर चुके हुए हैं. In between utility and rationality, rationality maximize the rational agents will look to maximize. और एजेंट्स फिर हमने डिस्कस किया था एजेंट्स हम नाम ही हम कहते हैं कि जो हमारे ऐसे सेट ऑफ पीपल हम बना लेते हैं जिसका कि सेम बिहेवियर होता है. कार्डिनल में ये जिसके अंदर गाता जी के वो क्वांटिफाई हो सकता है प्रॉब्लम is a way of assigning an option someone has a level of utility. In this context, the way it is often called as utensil. UTIL, utensil. Aline could have the following option, eat an apple. Usna quantify kiya usne 8 utensils. Eat an orange, 6 utensils. Eat a banana, 4 utensils. Eat a peach, 2 utensils. And assuming that he could only choose one piece of food, we can see that Lee would choose to eat an apple क्योंकि उसकी utility सबसे ज्यादा है 2, 4, 6 और इसमें apple की utility सबसे ज्यादा तो वो choose करेगा. Benefit this means हम clearly numbers के अंदर हम discuss कर सकते हैं in detail number of options facing it is possible to say. Problem measurement practically possible नहीं है theoretically it is very useful to see karma in reality it is difficult to implement. We have to work so far it will be an abstract or this problem of measurement arises as it is impossible to quantify. Clearly ye main kitab se aapke sath baith ke discuss kar raha hu taaki aapko ye bhi lag jaye pata ki humne jo cheezein padhi hain wo kitab se hi kitab se padhi hain सर ने हर पास से निकाला. अच्छा जी ऑर्डिनल अप्रोच क्या है जी रैंक्स कंपेयर करते हैं क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है. कार्डिनल में 1, 2, 3 करता है तो ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड के तरीके से करता है. अलीम को फिर वही बात आ रही है अलीम साहब प्रेफर ईटिंग एप्पल टू ऑरेंज ईटिंग ऑरेंज टू बनाना ईटिंग बनाना टू पीच तो वो कंपैरिजन की बातें करते हैं. ड्रॉबैक्स क्या है बेटर बेनिफिट ऑफ कंपेयरिंग बंडल ऑफ गुड्स विद कंज्यूमर नॉट पॉसिबल टू कंपेयर यूटिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स हर एक शख्स की अपनी अपनी मामला होते हैं. बीएमयू की डिस्कशन जो हमने की थी वही हमारी assumptions की बात की थी हमने. rational consumer, ordinal measurement, continuous consumption, quality change होगी, constant income होगी, consumer taste and impression सेम रहेगा, substitute goods नहीं है, in the price of substitute goods, कुछ substitute goods के बाद में भी फर्क ना आए, आप CNG और petrol की जैसे prices हैं, तो उसके अगर price में फर्क आएगा, तो भी आपके consumer के behavior में फर्क आएगा. DMU को हमने फिर देखा था वो एक डिस्कशन है. ये आप स्टडी कर सकते हैं कोई इसके अंदर मुश्किल तो नहीं स्टडी करने वालों ने जिन्होंने किया वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने देखी 0, 1, 8, 3, 2, 1, 40, 1, 50, 1, 50, 1, 45. वो ही ग्राफ है ये ग्राफ दिस इज TU, this is MU और जहाँ पे maximum है वहाँ पे MU is zero.
exceptions something and hobbies, rare item, collectibles, knowledge, wealth, you know, kind of thing. Practical importance. अच्छा ये मैंने वो बात कहा था पहले बात मैंने कही थी कि जी के डीएमयू को हमने हर काफी जगहों पे इस्तेमाल करना है काफी जगहों पे डीएमयू को इस्तेमाल करना है तो वो ही बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है कहाँ कहाँ पे ये डीएमयू का लाभ इस्तेमाल होता है ड्यू टू दिस बिहेवियर कट स्टेक्स बने हमने स्पेसिफिक मॉडिटी अकॉर्डिंग आप कोई शख्स हैं आप कुछ प्रोड्यूसर हैं तो आपको ये भी देखना है कि मैं जो चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं उसको इस्तेमाल करने वाले जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे उनकी यूटिलिटी कम होती जाएगी जब यूटिलिटी कम होगी तो वो शायद सेम कंज्यूमर्स को मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच सकूंगा तो मुझे अपनी कंज्यूमर बेस को बढ़ाने की जरूरत होगी वो चीजें आप यहां देखेंगे सर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर दो टू का थर्ड पार्ट का बी ए और बी पार्ट से तो सर इन पार्ट का भी आंसर भी न्यू पेज पे लिखेंगे क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि कहां पे पिछला आंसर कंप्लीट हो गया अगला आंसर आप स्टार्ट कर रहे हैं चाहे वो आप लाइन लगा के क्लैरिटी के साथ एंड लिख के न्यू क्वेश्चन लिख के पे सेम पेज पे स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आप नए पेज के ऊपर कर रहे हैं तो वो लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए आपके आंसर स्क्रिप्ट के अंदर क्लियर बेसिकली मैनी अदर लॉज फिर उसने कहा मैनी अदर लॉज की बिना कर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन की लॉ ऑफ डिमांड की कंज्यूमर सरप्लस की डिस्कशन करेंगे जब हम वहां पर फिर हम इसे डीएमयू को डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेटिंग द फिस्कल पॉलिसी जी कंप्लीटली हमने डीएमयू तो कल परसों तक हमने पढ़ लिया था उसके बारे में कोई मुश्किल था मान डीएमयू तो पढ़ चुके थे आज लाभ इतनी मॉडिटी को डिस्कशन किया किताब से उसके साथ हम देखते हैं तो पेपर में आपको टेस्ट में मुश्किल आए मुश्किल पर पेश आए क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को हमने कोशिश ये भी करनी है कि किताब से भी साथ साथ हम पढ़ें क्योंकि किताब में अब जैसे उसने ये बातें कही हैं ये बातें उसने आगे जब हमने जाके बाकी चीज स्टडी करनी है उसके साथ हमने रिलेट कर रहे होंगे लेकिन उसने आज ही आपको पूछा और ये कई क्वेश्चन भी आ चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमयू उसके हवाले से भी तो आज के दिन आपको आइडिया होना चाहिए आइडिया होना चाहिए अच्छा जी फिस्कल पॉलिसी अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कॉन्सेप्ट बता देता हूं बहरहाल हमने इसको तफसीलन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कहते हैं कि गवर्नमेंट कितने टैक्स लगाना चाहती है और गवर्नमेंट कितने अखराजात करना चाहती है उसकी पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं सादा अल्फाज ठीक है तो यहां पे वो ये बता रहे हैं कि डीएमयू गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट चीजों के ऊपर टैक्स लगाए और लोग उसका इस्तेमाल कम कर दें और गवर्नमेंट जो सोच रही थी कि इस चीज के ऊपर टैक्स लगा के मैं इकट्ठी कर लूंगा रेवेन्यू बना लूंगा टैक्स इकट्ठा कर लेंगे वो उसको टैक्स ना मिल सके तो इस वजह से डीएमयू इज इंपॉर्टेंट हाई टैक्स और लो ऑन पुअर विच इन टर्न हेल्प इन रिड्यूसिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रीपोजिशन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और टैक्स को भी लगाएं जिसके पास सेविंग ज्यादा उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएं उसके लिए जिसके पास वेल्थ ज्यादा है सेविंग्स ज्यादा है उसको अगर उससे अगर आप थोड़े से पैसे ले लेंगे तो उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी नजर में जो कि गरीब आदमी के पास अगर थोड़े से पैसे हैं तो
अगर गरीब आदमी के पास 10,000 रुपया है, उससे अगर आप टैक्स में 1,000 रुपया ले लेंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान होगा, और कोई अमीर आदमी है जिसके पास 10 लाख रुपया है, उससे अगर 1,000 रुपया अगर आप टैक्स लें, टैक्स की मद में ले लेंगे तो वो इतना परेशान नहीं होगा। तो हमने ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी पढ़नी है आगे जाके, और फिस्कल पॉलिसी भी पढ़नी है, इन चीजों का बात भी डिस्कस करेंगे। The law also has been price determination. Price determination के लिए भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम कीमत इतनी ज्यादा रख लें कि लोग इक्वी मार्जिन ड्यूटी की जब डिस्कशन करें तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस वो स्पेंड करना उनके लिए उतना वायबल ना हो। डिपेंड अपॉन द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम इट। सो इन ऑर्डर टू सेल मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, द सेलर हैज टू रिड्यूस द प्राइस अकॉर्डिंगली। प्राइस को रिड्यूस करें ताकि लोग स्पेंडिंग जो करें उनको उससे यूटिलिटी हाई यूटिलिटी मिल रही हो, हर रुपए से उनको हायर यूटिलिटी मिले, ज्यादा वो प्रोडक्ट हमारी परचेज करें। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट हमने आगे भी जाके डिस्कस करने हैं, लेकिन अगर हमें ये डीएमयू के बारे में पता चल गया है कि डिमिनिशिंग मार्जिन होती है तो हमें पता चल गया कि जनाब जब आप इसमें हम निकाल के एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है उसकी। फिर यहाँ पे कहा कि ठीक है बहुत से आगे जो हमने लॉज पढ़ने फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, उसके अंदर हम डीएमयू को यूज करेंगे। फिर फिस्कल पॉलिसी के अंदर उसने कहा कि जो अमीर लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जिनके पास सेविंग्स ज्यादा है उनके अगर आप टैक्स लेंगे भी तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, और जिन जो गरीब है उनसे अगर आप टैक्स लेंगे तो उनको फर्क पड़ेगा क्योंकि अमीर लोगों के पास सेविंग्स ज्यादा होने की वजह से उनके लिए डीएमयू का इम्पैक्ट आ चुका होगा, और गरीब लोगों के पास सेविंग्स कम होने की वजह से उनके लिए डीएमयू का इम्पैक्ट होगी, उनकी यूटिलिटी हाई चल रही है। और प्राइस डिटरमिनेशन के लिए भी जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके कंज्यूमर किस प्राइस के ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे ताकि उनमें जो रुपया खर्च करना है उससे उनको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही हो। जो कहते हैं वैल्यू टू मनी जो है ना, वैल्यू क्या मिल रही है वो पता चल सके। आज के दिन के लिए इतना ही, लेट्स मीट टुमारो। अल्लाह हाफिज़।